नमस्कार मित्रों, तो आज हम बात करने वाले हैं मोगरे के प्लांट के बारे में। तो ये देखिए, ये है मोगरे का प्लांट। आप सबने भी अभी लगाया होगा, मगर प्रॉब्लम ये होगा कि इसमें नई नई ग्रोथ, अगर आपके वहाँ पे गर्मी है यानी कि ठंड कम हो गई है और गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो इस तरह की नई नई ग्रोथ इसमें आती होगी। तो अगर नई ग्रोथ आना शुरू हो गया है तो अब इसमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा जो मोगरे का प्लांट है वो पूरा गर्मी फूलों से भरा रहे, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपके वहाँ पे भी अगर ठंड पड़ रही है तो अभी इसमें कुछ मत करिएगा। ठंड को ख़त्म होने के बाद गर्मी जब स्टार्ट हो तब इसमें कुछ काम करिएगा जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर गर्मी की शुरुआत हो गई है। तो मैं आज इसमें कुछ फर्टिलाइज़र डालूंगी और थोड़ा सा अच्छा इसकी केयर करूंगी ताकि हमारे जो गर्मी में भी ये प्लांट अच्छे से फूलों से भरा रहे। तो देखिए, ये इस तरह की नई नई ग्रोथ आने लगी थी 15-20 दिनों से के पहले ही मेरे मोगरा के प्लांट में। तो आप देख सकते हैं अभी प्लांट की क्या हालत है, इसमें काफ़ी सारी ग्रोथ तो आ चुकी है, मगर इस ग्रोथ को फ्लावरिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातों का आपको ख्याल होना चाहिए दोस्तों कि मोगरा का प्लांट अगर आपने लगाया है तो इसको ट्रिमिंग करना ज़रूरी है, यानी कि इसको कटिंग करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि मोगरे के प्लांट में नई नई शाखाएं आती है उसमें ही फ्लावरिंग होती है। पुरानी शाखा, इस तरह की जो शाखा होती है उसमें फ्लावरिंग नहीं होती। तो इस तरह की जो शाखाएँ नई नई निकलती है तो उसमें ही फ्लावरिंग होती है, तो इसीलिए हमको इसको ट्रिम करना ज़रूरी है, यानी कि इसको कट करते रहना ज़रूरी है। ये एक बात जो कोई नहीं जानता, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम सब नहीं जानते कि इसको कटिंग करना होता है। सब ऐसे ही डालिया रखते हैं तो फिर इसमें फ्लावरिंग नहीं होती और फिर उनको चिंता होती है कि इसमें फ्लावरिंग क्यों नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने कट कर दिया था, जब ये सारी नई ग्रोथ आने लगी थी तब मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया था, फिर और कई सारी पीछे जो जगह है वहाँ से भी मैंने इसको कट कर दिया था। तो अभी देखिए यहाँ नई नई ग्रोथ आने लगी है। तो समझ गए दोस्तों कि बड़ी अगर शाखा आप कट कर देंगे, मैं तो ये भी पिंच करने वाली थी ये जो है, मगर इसमें नई ग्रोथ आ चुकी है तो मुझे मन नहीं हुआ कि इसको कट कर दें। अगर कट कर देती तो अच्छी तरह से ये शेप में और अच्छा लगता और शेप में आ जाता। तो चलिए दोस्तों, इस तरह की अगर आपके वहाँ पे भी नई नई ब्रांचेस फूटने लगी है तो अभी इसमें हमको क्या करना है, तो सबसे पहले इसको गुड़ाई कर लेनी है। ये मैंने ऊपर बटर मिल्क यानी कि छाछ डाला था तो इसीलिए ये वाइट वाइट है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मिट्टी अभी इसमें गीली है, तो सबसे पहले दोस्तों अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है आपको और मिट्टी को ऊपर चढ़ा देना है, यानी कि यहाँ पे रख देना है ताकि हम जो खाद देंगे वो यहाँ पे हम डालेंगे ताकि जो रूट है वो आसानी से ले सके। और रूट के पास यहाँ पे हम डालते हैं तो कभी ऐसा होता है कि गर्म भी लग सकता है, इसलिए हम किनारे की ओर डालेंगे। और फर्टिलाइज़र में क्या डालेंगे, तो ये देखिए ये मैंने तैयार करके रखा है, ये है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट की क्वांटिटी हम ज़्यादा लेंगे। ये है बोन मील। बोन मील क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा मोगरे का वाइट कलर का इसमें फ्लावरिंग होती है, तो वाइट कलर के जो भी फ्लावर होते हैं उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस मात्रा ज़्यादा चाहिए, इसीलिए हम अभी से इसमें बोन मील डाल देंगे। फिर हम डालेंगे नीम खली। नीम खली से आपको पता है कि नीम खली जो वायरस वगैरह हमारे मिट्टी में लगते हैं वो लगने नहीं देती और एक तरह की फर्टिलाइज़र भी है। और ये है हमारा मस्टर्ड तेल, तो हम इन सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बाद में हम इसको चारों ओर डाल देंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मिक्स ऐसे मिक्स कर लीजिए इसको ताकि सब आपस में मिल जाए और हमारा खाद अच्छे से रेडी हो जाए। मेरी क्वांटिटी कम है, अगर आपका प्लांट और सॉरी पोट बड़ा है और प्लांट भी बड़ा है तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, यानी कि आप ज़्यादा मात्रा में देंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार हमने ये शुरुआत में हम ये खाद देंगे तो पूरा हमें एक दो महीने इसको कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम जो लिक्विड फर्टिलाइज़र घर से निकलता है यानी कि बनाना पिल का फर्टिलाइज़र, अनियन पिल का, वो तो देते ही रहते हैं। तो हमारे पौधे को 15-20 दिन में न्यूट्रिशन है वो तो मिल ही जाता है,
इसीलिए अभी हम इसको सॉलिड काट देंगे। तो देखिए इस तरह से हाथ में लेके आप यहाँ पे पौधे की हर कॉर्नर में इस तरह से डाल दें, और फिर जो हमने मिट्टी निकाली थी उसको वापस से इसके ऊपर ढक दीजिए। सेम उसी तरह हम दूसरी साइड भी कर लेंगे, इसको अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे यहाँ पे, और मिट्टी है वो आसपास डाल देंगे। फिर हम ऊपर से खाद देने के बाद इसमें मिट्टी डाल देंगे। तो देखिए ये रूट्स है सभी, तो रूट डैमेज ना हो इस तरह से आपको डालना है। और आपके पॉट में अगर मिट्टी आपको ज़्यादा लग रही है तो थोड़ी सी मिट्टी आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी होने के कारण जब हम पानी देंगे तो मिट्टी भी उसके साथ निकल ना जाए, इसीलिए पॉट में थोड़ी जगह होनी ज़रूरी है। तो देखिए हमने अच्छे से इसमें खाद डाल दी है, अभी मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी देंगे। तो जब भी आप दोस्तों खाद दें तब पानी डालना नहीं भूलिएगा, वरना खाद का कोई असर नहीं होगा। इस तरह से जो बड़ी सली पत्तियाँ डांडिया है जो सूख गई है उसे आप निकाल सकते हैं। मेरे पास अभी कटर नहीं है तो मैं बाद में इसे निकाल दूंगी। तो इस तरह से फैला के अभी मैं इसमें पानी अच्छे से दूंगी। देखिए मैंने इसमें अच्छे से पानी भी दे दिया है, तो क्या होगा कि हमने जो खाद दी है वो काम करने लगेगी, आप पानी देंगे तभी, वरना खाद है वो सूख जाएगी और अच्छे से काम नहीं करेगी। तो बस दोस्तों इतना ही काम अभी आपको मोगरे में करना है, उसके बाद आप देखिएगा कि पूरी फरवरी से आप इसमें फूल आना चालू हो जाएंगे और आपका घर भी एकदम फूलों से महका रहेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।